In the previous video lesson, we have studied that yarns are made up of fibers. In this video lesson, we will study types of fibers. The fiber, the source of the fiber, on the basis of the source of the fiber obtained, fibers are categorized into two types. Fiber ko hum kahan se obtain kar rahe hain, uske basis par, on the basis of source, iske basis par do type ke fiber ho sakte hain. Plant fibers and animal fibers. Animal fibers. We obtain fibers from plants and animals. Beside these two sources, nowadays we also produce various synthetic fibers. Synthetic fiber bhi hum produce karte hain aajkal, like nylon, rayon, polyester and acrylic. Inke bare mein aap in the 8th standard you will study about nylon, rayon, polyester and acrylic. In this video lesson we will study only natural fibers, and that is obtained from plants. देखो प्लांट्स से क्या मिलता है हमें, कॉटन, सिल्क, कॉटन कॉइल, जूट, हेम्प, फ्लेक्स. कॉइल है, सन है, हेम्प है, फ्लेक्स है, कॉइल और क्या बोलते हैं, हेम्प, फ्लेक्स एंड कॉटन. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लांट फाइबर्स. अब ये प्लांट फाइबर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉटन फाइबर के बारे में. देखो द एटमोसफियर, द क्लाइमेटिक कंडीशन विच आर रिक्वायर्ड, क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड टू ग्रो कॉटन आर ब्लैक सॉइल, वार्म क्लाइमेट एंड मॉडरेट रेनफॉल. काली मिट्टी में अच्छा होता है, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, ना ज़्यादा रेनफॉल ना कम रेनफॉल, और इसके अलावा वार्म क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट इसको होती है. यहाँ पर देखिए पिक में ये कॉटन बॉल है, ये इमेच्योर कॉटन बॉल ऐसा दिखेगा. जब ये इमेच्योर कॉटन बॉल मैच्योर हो जाता है, इट बस्ट ओपन, ऐसा बस्ट ओपन हो जाएगा. देख रहे हैं चित्र में, ये इमेच्योर है, ग्रीन कलर का दिख रहा है. एज सून एज इट मैच्योर्स, इट बस्ट ओपन एंड एक्सपोज कॉटन फाइबर. देखो कॉटन फाइबर दिख रहा है ना, बस्ट ओपन होकर. अब जब ये बस्ट ओपन हो जाता है, इसमें से फाइबर को रिमूव किया जाता है. द फाइबर इज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉटन बॉल एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन बॉल इज कॉल्ड गिनिंग. क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं. अब ये देखो गिनिंग करके हमने कॉटन को, ये जो सीड दिख रहे हैं ना ब्लैक यहाँ पर, ये देखो ये ब्लैक सीड, दीज ब्लैक सीड्स आर रिमूव्ड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग. इसको हम रिमूव कर देते हैं तो फिर हमें ये देखो कॉटन बॉल मिल जाता है, इतना बढ़िया. तो कॉटन कैसे कॉटन के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन की रिक्वायरमेंट क्या है, ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट एंड मॉडरेट रेनफॉल. गिनिंग की प्रोसेस क्या है मैंने आपको बताया भी. अब देखिए जूट प्लांट, जूट जो ऑप्टेन किया जाता है, दैट इज ऑप्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ द जूट प्लांट. जूट के बार्क से ये ऑप्टेन किया जाता है. कैसे किया जाता है, देखिए जो स्टेम होता है ना, स्टेम इज हार्वेस्टेड, हार्वेस्ट कर लिया जाता है स्टेम को, और इट इज इमर्स्ड इन द वाटर, पानी में डुबा दिया जाता है फॉर फ्यू डेज. स्टेम काटेंगे, पानी में डुबा देंगे कुछ दिन के लिए, उसके बाद रिमूव करेंगे तो उसके बार्क को ऐसे निकाल लिया जाता है. देखो ये जो स्टम्प्स हैं या इसका जो स्टेम है, इस स्टेम में से बार्क को रिमूव कर लिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड जूट फाइबर. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेटिंग, आर ई टी टी आई एन जी, रेटिंग. कौन सी प्रोसेस है रेटिंग, ये जो इसको जूट को डुबा के फिर सड़ाने के बाद उसके बार्क को निकाल लिया जाता है.
बार्क निकाल के बहुत दिन तक इसको सुखाते हैं, फिर बढ़िया फाइबर हमें मिल जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेटिंग। क्या प्रोसेस? द स्टेम रॉट, जो स्टेम है वो रॉट होता है, तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं रेटिंग। अब आगे पढ़ते हैं। देखो, भारत में सबसे ज्यादा तो जूट मिलता है। आवर कंट्री, इन आवर कंट्री थ्री स्टेट्स आर फेमस फॉर ग्रोइंग जूट, बंगाल, असम एंड बिहार। और पूरे वर्ल्ड में जो फेमस है जूट प्रोडक्शन के लिए वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश का पिक मैंने आपके लिए लिया है। देखो ये बांग्लादेश की लोकेशन कहाँ पर है देख रहे हैं? ये देखो, ये हमारा, ये इंडिया है, दिस इज इंडिया। और यहाँ पर जो रेड कलर का दिख रहा है ना बांग्लादेश, तो यहाँ पर इतना छोटा सा देश है देखो, और ये सबसे बढ़िया और सबसे बढ़िया जूट प्रोड्यूस करता है। तो ये इसको कर देते हैं अब बंद, और आगे चलते हैं। और जूट का प्रोडक्ट, जूट किस लिए यूज होता है? जूट के देखो, इसके लिए होता है। जूट से क्या बनता है? रोप बनेगी, मैट बनेगी, सैक, हैट एंड कुर्तीज, इतनी चीजें जूट से बनेंगी। अब देखिए कॉयर, कॉयर कहाँ से मिलेगा हमें? ये मिलेगा हमें फ्रॉम आउटर कवरिंग और हस्क ऑफ द कोकोनट। ये कोकोनट है ना, देखो कोकोनट, इसको देखो, ये दिख रहा है कोकोनट, ये इसके बाहर जो ये हस्क है, इस हस्क को रिमूव किया जाएगा। और इस हस्क को रिमूव करने के बाद, और देखो ये देखो, ये रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद ये जो बाहर से फाइबर दिख रहा है ना, ये फाइबर, दिस फाइबर इज रिमूव्ड, यानी कि सेपरेट कर लिया जाएगा इस फाइबर को। और इससे क्या बनाई जाएगी? इससे देखो एक ही प्रोडक्ट, इसका एक प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट है ये रोप। ये देखो, ये रोप बनाई जाएगी इससे। तो ये क्या है? ये कॉयर है। कॉयर मिलेगा कहाँ से? हस्क ऑफ द कोकोनट से मिलेगा। इसको मैं हटा देता हूँ इनको। अब आइए सिल्क कॉटन ट्री पर। सिल्क कॉटन प्लांट्स, अच्छा ये क्या निकल आया, चलो इसको हटाओ। सिल्क कॉटन प्लांट्स देख रहे हैं, सिल्क कॉटन प्लांट फाइबर कॉमनली यूज एज स्टफिंग इन पिलोस। जो पिलो होते हैं ना, पिलो में स्टफिंग के लिए यूज किया जाता है। स्टफिंग इन पिलोस के लिए यूज किया जाता है। सिल्क कॉटन ट्री और कैपक ट्री से ये ऑब्टेन किया जाता है। देखो मैं आपको ये दिखाता हूँ, कहाँ से देखेंगे? यहाँ से देखेंगे। ये देखिए, ये है सिल्क कॉटन ट्री। कॉटन से डिफरेंट है, नाम सिल्क कॉटन है इसका, सिल्क कॉटन प्लांट। वहाँ भी कॉटन बॉल लगते थे, यहाँ भी बॉल लगते हैं। देखो ये बॉल दिखाई दे रहे हैं ना इस पिक्चर में, आप देख सकते हैं इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं, बॉल्स दिखाई दे रहे हैं। और ये ट्री देखो इसका, देखो इसका, इसको भी देखो, ये ट्री ना साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यू कैन सी द कॉटन बॉल बस्ट, कॉटन बॉल बस्ट हो गया है और ये फाइबर बाहर को दिखाई दे रहा है इसमें। और ये देखिए इसका, इसका क्या देखो, इसका फाइबर देखो कितना सॉफ्ट है ना। तो ये स्टफिंग के लिए यूज किया जाता है, किसमें? पिलोज में, बढ़िया गद्दीदार कुशन जैसा हो जाता है उसके लिए यूज किया जाएगा। कौन ये यूज किया जाएगा? सिल्क कॉटन का फाइबर। अब देखिए हेम्प प्लांट, हेम्प प्लांट भी स्टेम से ही ऑब्टेन किया जाता है। हेम्प का प्लांट मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये हेम्प प्लांट है, ये हेम्प प्लांट। फिर से एक और देखो हेम्प प्लांट, ये देखो। और ये क्या है? ये इसका फाइबर है, दिस इज दी फाइबर। क्या है ये प्लांट? देखो प्लांट की लीव्स, ये इसको हटा देता, इसका फाइबर है। ठीक है देखो, हटाओ इनको। तो कारपेट है, ये बार बार क्यों आ जा रहा है? तो ये जो कारपेट है,
ये जो कारपेट है या नेट है या रोप है और पेपर है, ये ऑब्टेन किया जाता है हाई क्वालिटी का पेपर बनाने के लिए, ये हेम्प का यूज किया जाता है। हाई क्वालिटी पेपर के लिए हेम्प भी यूज किया जा सकता है और इसके लिए फ्लेक्स का भी यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ेंगे फ्लेक्स के बारे में। देखो, फ्लेक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम, चाहे वो हेम्प है, चाहे वो फ्लेक्स है, चाहे वो जूट है। क्या कहा मैंने? हेम्प, फ्लेक्स, जूट, दीज थ्री आर ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम। ये स्टेम से प्राप्त होते हैं। अब फ्लेक्स भी कहाँ से मिल रहा है? फ्लेक्स प्लांट से, स्टेम ऑफ द फ्लेक्स प्लांट से। और इसकी फाइबर को क्या बोलते हैं? लिनन। लिनन किसको बोलते हैं? जो फ्लेक्स है इसकी फाइबर को क्या बोलते हैं? लिनन। ठीक है, तो रोप बनाने के लिए या फिर हाई क्वालिटी का पेपर बनाने के लिए फ्लेक्स का यूज किया जाता है। मैं फ्लेक्स प्लांट और उसके फाइबर को आपको दिखाता हूँ। देखो ये है, देख रहे हो, फ्लेक्स का प्लांट, उसके फ्लावर, और ये इसका है, ये देखो इसका फाइबर, ये देखो ये फाइबर, और देखो इसका ये इसके फाइबर्स है। तो इससे हाई क्वालिटी रोप बनाए जाते हैं, हाई क्वालिटी का पेपर भी बनाया जाता है इससे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।